Vighnaharta Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha. पर ब्रह्म से बड़ा कुछ नहीं, पाप से भी बुरा कुछ नहीं, निर्धन के पास कुछ नहीं होता, भक्त भगवान को छोड़कर और कुछ नहीं चाहता, भाव के सिवाय भगवान भी कुछ नहीं चाहते। गजानन, अपने सामान्य ज्ञान से दोनों देवियों ने हम सभी को प्रभावित किया है, तो अब उनके वैदिक ज्ञान की परीक्षा का समय है। मेरी पुत्रियों को सभी वेदों का ज्ञान है, इसीलिए मुझे विश्वास है कि वो उसमें भी सफल होंगी। अपनी संतान पर विश्वास करना चाहिए, इससे उनका मनोबल बढ़ता है। किंतु मेरा प्रश्न वेद में लिखित श्लोक के पाठ से नहीं है, बल्कि उसके भावार्थ से है, श्लोकों के पीछे छिपे संदेश से है। क्या आप दोनों तैयार हैं? अपस्व अंतर मृतम अपसु भेष जम पामुत प्रशस्तिये, जल में अमृतोपम गुण है, जल में औषधि गुण है, जल किसी को भी अपने भीतर समाहित कर लेता है, किंतु क्या आप बता सकती हैं, जल अंततः कहाँ समाहित हो जाता है? वायुमंडल में। तो फिर वायु कहाँ विलीन होती है? वायु अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। और अंतरिक्ष वो किस में विलीन होता है? उस अक्षर तत्व में जिससे ब्रह्मांड का उत्पन्न होता है। एवं वो अक्षर तत्व कहाँ विलीन होता है? परम ब्रह्म में। हाँ? ये हमारा परम सौभाग्य है कि उन्हीं पर ब्रह्म प्रभु महागणाधिपति जी के अंश श्री गणेश हमसे ये प्रश्न कर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। ये दोनों तो सभी प्रश्नों के सही उत्तर दे रही हैं। अब मुझे ऐसा प्रश्न पूछना चाहिए जिसका उत्तर अत्यंत कठिन हो, अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि माँ मेरा विवाह इन दोनों से ही करवा दें। मेरे प्रभु को जो प्रश्न सोचने में इतना समय लग रहा है, उसका उत्तर देने में तो किसी को जन्मों लग जाएंगे। क्या विवाह के बंधन में बंध कर भी कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकता है? परम सत्य परम प्रभु की निरंतर खोज ही ब्रह्मचर्य है, इसीलिए विवाह के बाद भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना संभव है। किंतु परम सत्य की खोज तो वही कर सकते हैं जो स्वतंत्र हो, पर विवाह के पश्चात मनुष्य गृहस्थी से बंध जाता है। किंतु हे माता पार्वती नंदन, विवाह से किसी की स्वतंत्रता कहाँ छिनती है? पर विवाह से परम सत्य और प्रभु को ढूंढने में कोई बाधा भला कैसे आ सकती है? प्रश्न का उत्तर देने के स्थान पर ये तो प्रभु से ही प्रश्न कर रही है, परीक्षा है किसकी? विवाह को आप बंधन क्यों बुला रहे हैं? आप ये क्यों मान रहे हैं कि विवाह से कोई बंध जाता है? विवाह के पश्चात गृहस्थी के दायित्व बंधन ही तो है। विवाहित व्यक्ति पत्नी और संतान की चिंता से घिर जाता है। किंतु किसी की चिंता करना बंधन कैसे हो सकता है? आप किसकी चिंता करते हैं? जो आपके प्रिय हो वो तो प्रेम दर्शाता है, और जहाँ प्रेम है वहाँ कोई बंधन कैसा? कहो पुत्र गणेश, क्या उचित कह रही हैं? चिंता यदि प्रेम है तो प्रेम भी एक बंधन ही हुआ ना? नहीं प्रभु, स्वार्थ से लिपटा प्रेम बंधन हो सकता है, किंतु जहाँ प्रेम का आभार ही निस्वार्थ प्रेम का भाव है, वो तो बस मुक्ति का आभास करता है। इसीलिए विवाहित व्यक्ति भी ब्रह्मचर्य का अनुभव कर सकता है। प्रेम अपेक्षाओं को जन्म देता है, अपेक्षा से व्यवहार और फिर स्वार्थ एवं इच्छाओं का उदय होता है। निस्वार्थ भाव से त्याग होता है, वही सच्चे प्रेम की आत्मा है। अभी तक तो प्रभु प्रश्न कर रहे थे, पर
अब तो ये परीक्षा से वाद विवाद में बदल चुका है। यदि जो भी आपने कहा सत्य है तो क्या आप सच्चे निस्वार्थ प्रेम का जीवंत उदाहरण दे सकती हैं? विधाता की रची ये पूरी सृष्टि ही इसका उदाहरण है प्रभु। हमारे उत्पत्ति का कारण भी तो निस्वार्थ प्रेम ही है जो गृहस्थ आश्रम में होता है, जहाँ गृहस्थी होते हुए भी कोई बंधन नहीं होता। अद्भुत ज्ञान है इन दोनों देवियों का। आज पहली बार बुद्धि श्रेष्ठ गणेश जी के समान किसी बुद्धिमान और ज्ञानी को देखा है। आपके तर्क और विचारों ने मुझे प्रसन्न कर दिया। ये विवाद विचारों का वो आदान प्रदान था जिससे आपके आत्मज्ञान का प्रमाण मिलता है। उचित कहा गणेश ने, जो आत्मज्ञान में पारंगत होते हैं वो तर्क वितर्क से पीछे नहीं हटते, फिर भले उनके सामने बुद्धि श्रेष्ठ गणेश ही क्यों ना हो। आप दोनों ने अपने तर्कों से अपने आत्मज्ञान का परिचय दिया है। पुत्र अब तो तुम संतुष्ट हो? नहीं माँ, अंतिम परीक्षा तो अभी शेष है। पुत्र इन दोनों ने अपने ज्ञान बुद्धि और विवेक से हम सभी को प्रभावित किया है, अब इनकी और कितनी परीक्षा लोगे तुम? तुम्हारी माता उचित कहती है पुत्र, तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दोनों ने दिए हैं। माता, प्रभु, हमें कोई आपत्ति नहीं। जिनके साथ हम हमारे नवीन जीवन के आरंभ की कामना रखते हैं, वो यदि हमारी और परीक्षा लेना चाहे तो वो अवश्य ले। हम किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हैं। उचित है, तो फिर ये रहा मेरा अंतिम प्रश्न। ब्रह्म ज्ञान में सभी ज्ञान का समावेश होता है। ब्रह्म ज्ञान में निपुण व्यक्ति सभी स्थितियों का सामना सरलता, शांति और संयम से करता है। इस अंतिम परीक्षा के लिए मैं आप दोनों के सामने एक परिस्थिति उत्पन्न करूंगा, आप जिसकी भाग भी होंगी और जिसे आपको सुलझाना भी होगा। यहाँ जो भी उपस्थित हैं, उनसे बिना मांगे, बिना साधना या तपस्या किए और बिना किसी पूजा या विनती के उनका सब कुछ प्राप्त कर अपने ब्रह्म ज्ञान को प्रमाणित कीजिए। आशा है ये अन्य ज्ञान के समान ब्रह्म ज्ञान में भी निपुण होगी। ज्ञान होना एक और बात है, किंतु इस प्रकार का कार्य किसी के लिए संभव कहाँ है? शिल्पी विश्वकर्मा जी, आपने अपना कार्य पूर्ण किया। कोई साधारण असुर आपके बनाए सुरक्षा घेरे को भेद नहीं पाता, इस असाधारण असुर से हमें सावधान रहना होगा, इसलिए आप आगे बढ़िए। इस असुर को लौटने पर विवश करने के पश्चात ही हम सभी कैलाश पहुंचेंगे। Thank you.
परम ब्रह्म महागणाधिपति जी, किसी भी कार्य का आरंभ किसी भी प्रकार की दुविधा के साथ कभी नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे दर्शन देकर मेरी दुविधा को मिटाने में मेरी सहायता कीजिए। हे प्रभु महागणाधिपति जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिए। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्र रूपाय गरुड़ाय ते नमः। विश्व रूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे सत्प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। प्रणाम प्रभु, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या हुआ गणेश, शांत क्यों हो गए? यही मेरे पूर्ण दर्शन है, देवी रिद्धि और देवी सिद्धि, महागणाधिपति अर्थात मेरी शक्ति तत्व है। इनसे ही मैं संपूर्ण होता हूँ, जैसे तुम होगे जब तुम्हारा विवाह देवी रिद्धि और सिद्धि से संपन्न होगा। देवी रिद्धि मुझे ऐश्वर्य और शक्ति प्रदान करती है और देवी सिद्धि उस शक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। गणेश, ये तो तुम जानते ही हो, ज्ञान, कला या शक्ति सिद्ध होने पर ही हमारे लिए कारगर बनते हैं। इसलिए रिद्धि बिना सिद्धि नहीं और सिद्धि बिना रिद्धि नहीं, और जब दोनों मिलते हैं तो बनती है बुद्धि। तो शाप नहीं, मुझे इस कारणवश रिद्धि सिद्धि दोनों से विवाह करना है। तुम मेरे अंश हो गणेश, और देव शिल्पी विश्वकर्मा पुत्रियां रिद्धि सिद्धि मेरी पत्नियां अर्थात मेरी शक्ति की अवतार हैं। तुम्हें पूर्णता पाने के लिए उनसे निसंकोच विवाह करना चाहिए। उचित है प्रभु, मेरी दुविधा दूर करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। तुम्हारा सदा कल्याण हो गणेश। किंतु पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि ये इतना सरल नहीं होगा। विघ्नहर्ता के विवाह में विघ्न भी आएंगे। देव गुरु बृहस्पति जी, समस्त अतिथि आ गए हैं किंतु देवतागण अभी तक उपस्थित नहीं हुए। देवराज इंद्र ने वचन दिया था कि वो सभी देवताओं को लेकर अवश्य आएंगे। देवगण आते ही होंगे प्रभु। कहीं उस दुष्ट नरकासुर ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण के लिए आज का दिन ही तो नहीं चुन लिया। बिना बताए आ गया ना यहाँ पे। लगता है आप लोग कहीं जा रहे हैं। और मुझे कहीं जाने के लिए किसी के आदेश की आवश्यकता नहीं है। और स्मरण रहे, कोई चाह कर भी मुझे रोक नहीं सकता। ना ना ना, मैं नहीं रोकूंगा। पर हाँ, क्या मैं चाहूंगा वह तुम सभी को जाना होगा। मेरे साथ, मेरी इच्छा से। कदाचित तुम्हारी ये इच्छा कभी पूर्ण नहीं हो सकती नरकासुर। ओ, तो
साहस का प्रदर्शन कर रहे हो तुम देवराज? मेरा सामना करना चाहते हो तो आओ करो सामना। तो मवेशियों को बांध कर उन्हें हाँकने की तैयारी कर रहे हैं। देखो देवगण, एक चरवाहा हमसे युद्ध करने के लिए आया है। युद्ध नहीं करूंगा, बस हाँक के तुम सभी को ले जाऊंगा यहां से। माता की कृपा से उनके शक्तिपीठ पर भक्तों को अद्भुत शक्तियां जैसे कि माया, मोहन, मारण, उच्चाटन जैसी शक्तियों में विशेष कृपा प्राप्त होती है। नरकासुर जैसे दुष्ट को माता से इन्हीं शक्तियों की कामना रहती है। नरकासुर जैसे दुष्ट ये भूल जाते हैं कि सर्वोच्च शक्तिपीठ पर यदि निस्वार्थ भावना से भक्ति की जाए तो उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। किंतु जो सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, वे मोक्ष की कामना करने के स्थान पर केवल चमत्कारी जादुई शक्तियों की विद्या को ही अर्जित करना चाहते हैं। उस दुष्ट नरकासुर ने अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं माता कामाख्या देवी से, इसीलिए सभी देवता उस दुष्ट के आगे विवश हैं। किंतु माता ने एक दुष्ट असुर पर अपनी कृपा की ही क्यों? जन्म से नरकासुर असुर नहीं है, वो श्री हरि नारायण के अवतार का पुत्र है। और उसने मेरी तपस्या आरंभ की एवं उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि विवश हो मुझे दर्शन देना पड़ा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स हिरण्याक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहो क्या वरदान चाहिए? इतना ही वरदान दे दीजिए कि हिरण्याक्ष का वध ना कोई देव कर सके, ना दानव, ना गंधर्व कर सके, ना मनुष्य, ना मेरे प्राण कोई सुर हर सके, ना असुर। तथास्तु। अब समय आ गया है हिरण्याक्ष, तीनों लोकों पर विजयी अभियान का। वरदान पाकर वो दुष्ट एक पल भी नहीं रुका, पृथ्वी का हरण कर लिया। ये कैसा भयंकर आकार ले लिया इसने। रुक जाओ, अब करो ये अनर्थ हिरण्याक्ष, नहीं तो सर्वनाश होगा। सर्वनाश, संपूर्ण सर्वनाश होगा, यही तो चाहता है हिरण्याक्ष। तभी तो होगा भजन बंद, यज्ञ बंद, और यज्ञ ही नहीं देवताओं की पुष्टि बंद। तब बलहीन देवता मेरे सामने अपने घुटने टेक देंगे। नहीं नहीं, मैं इसे अपने आप को स्पर्श नहीं करने दूंगी। हे
परिहास करोगी तो तुम्हारा ही हास होगा। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो बंधने के लिए तैयार हो जाओ। कहा था ना मैंने कि मुझे नहीं रोक सकोगी। अंधकार के अंत में धकेल दूंगा मैं तुम्हें, जहां कीचड़ के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर देखता हूं कैसे स्वयं को बचाओगी तुम। इस प्रकार भूदेवी को अपने मायावी बंधन में बांधकर किसी अत्यंत अंधेरे स्थान में ले गया। अब पहुंचे उचित स्थान पर। ना धरती पर कोई जीव रहेगा और ना ही भगवान का पूजन करने वाला। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हिरण्याक्ष अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। यदि शीघ्र कुछ किया न गया तो भूदेवी भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकेगी। हमें शीघ्र कुछ करना होगा प्रभु। तब तो हमारी सहायता एकमात्र प्रभु श्री हरि नारायण ही कर सकते हैं। नारायणं गदाध्यक्षं गोविंदं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं। प्रणाम प्रभु हरि नारायण। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। रक्षा कीजिए प्रभु, हिरण्याक्ष के आतंक से मुझे मुक्त कीजिए। तो क्या समय आ गया है प्रभु? मैं इसे पंडित बनाकर ही रहूंगा।
पशु को इस दुस्साहस का परिणाम अवश्य भुगतना होगा इसे। रुको, कहां बड़े आ रहे हो? कायर भागते हैं, युद्ध के लिए ललकार रहा हूं मैं। जो भी हो तुम, सामना करो मेरा दोस्त वसुवरा। अब दया नहीं करूंगा, पृथ्वी को तुझसे छीन कर फिर अपना बंदी बनाऊंगा। आपका उचित स्थान तो सौर मंडल में ही है भूमि देवी। प्रभु, मेरी सहायता करने के लिए आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। पशु मिट्टी में रहने वाले मात्र एक बड़ा होकर इतना अहंकार। अब देखना, मैं तुम्हें धूल चढ़ाकर भूमि को अपने साथ ले जाऊंगा और फिर उसे अंधकारी कीचड़ में डाल दूंगा। तो रोक कर दिखाओ मुझे। किंतु इसका अंत मैं करूंगा।
साधारण वरा में इतनी शक्ति कि मुझे रोक सके, असंभव है। यदि तुम सच में मेरा परिचय पाना चाहते हो तो ध्यान से देखो मुझे और पहचानो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिरदधानगम्यं। प्रभु तो अपने हर रूप में अत्यंत मनोहर है। तुम जो भी हो ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि तुम मेरे ही जैसे हो तो मैं मिलने आ गया। हम सभी आपस में मित्र हैं, इसीलिए साथ बैठे हैं। तो मैं भी बन जाता हूँ तुम्हारा मित्र। तुम जानते हो किससे मित्रता का अधिकार मांग रहे हो? यह महाबली के बेटे बाणासुर हैं। तो फिर मैं भी भूदेवी का पुत्र नरकासुर हूँ। कहाँ चला गया मेरा पुत्र नरकासुर? कहीं स्वामी ने जो कहा था वो सत्य ना हो जाए? और मेरी माँ ने कहा था कि हमारे जैसे इस संसार में बस हम दो ही हैं। तो क्या तुम हमारे जैसे असुर नहीं? असुर? ये असुर क्या होता है? असुर का अर्थ है आनंद। असुर का अर्थ है नियमों से मुक्ति और स्वतंत्रता, अपनी इच्छा से कुछ भी करने की छूट। अर्थात असुर जो चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें किसी की आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं। असुर आज्ञा लेते नहीं, देते हैं। तो सुनो मेरी आज्ञा, मुझे अपना मित्र बनाओ, असुर रूप में स्वीकार करो। लगता है ये वास्तव में असुर बनना चाहता है, तब तो इसका प्रमाण देना होगा। पहले योग्यता प्रमाणित करो, तब बनोगे हमारे मित्र। बोलो, करोगे? मैं तैयार हूँ। अपने ही घर में चोरी करवानी होगी तुम्हें। असुर सोचते या हिचकिचाते नहीं, बस कर देते हैं जो करना होता है। ठीक है तो चलो अभी। अब मुझे चिंता हो रही है, कहीं मुझे ढूंढने तो नहीं चला गया? सूर्यास्त भी होने को है। रुको, तुम्हारी माता है ना, ये इन्हें जाने दीजिए, उसके बाद ही तो तुम चोरी कर पाओगे। आओ भीतर आओ। चुराने योग्य तो यहाँ कुछ भी नहीं है ना। ये देखो, ये मुझे दो। और भी हैं, माँ के आभूषण। ये मुझे दो, कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी हैं। ये देखो, ये मेरे हैं। अब चलो। नहीं 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 नहीं, जाने से पहले मुझे वचन दो, तुम मुझे अपना मित्र बनाओगे? चिन्ह मेरे जन्म से ही है। है तो है, हमें उससे क्या, हमें तो जीवन का आनंद लेना है। अब हमसे वो सीखो तुम। संसार की हर बुराई और हर बुरे संस्कार से जिसे उसकी माँ ने बचाकर रखा था, वो स्वयं बुराई की ओर अग्रसर हो गया।
जिस प्रकार चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, वैसे ही जो हमारे समान गुण रखते हैं हम उनकी ओर ही आकर्षित होते हैं। संत प्रवृत्ति वाले संतों की ओर और दुर्जन प्रवृत्ति वाले दुर्जनों की ओर खिंचाव अनुभव करते हैं। ऐसा ही कुछ नरकासुर के साथ भी हुआ। ये लो, तुम भी हमारी टोली के हो, कल फिर मिलेंगे। अपने ही घर से चोरी करने का ये पुरस्कार मिला है तुम्हें पुत्र? मैंने तुम्हें ये सीख तो नहीं दी थी? हाँ, पता है आपने क्या सिखाया था? यहाँ हमारे जैसे बस हम दो ही हैं। सच सिखाया था कि एक क्षेत्र अब असुरों के अधीन है और हम असुर नहीं हैं पुत्र। आप नहीं होंगी, पर मैं तो अब एक असुर ही हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ, अब मैं जान गया हूँ, असुर किसी नियम के अधीन नहीं होते। ये असुर होना भी नहीं, बस एक मूर्खता है, कपट है, कुटिलता है। और जो भी तुम्हें ये सब सिखा रहे हैं वो तुम्हारे मित्र नहीं, शत्रु है, घोर शत्रु। नहीं माँ, मुझे उनके साथ बहुत आनंद आया। आज पता चला मुझे कि आश्रम के बाहर भी एक संसार है जिससे बचाने के लिए मैंने तुम्हें इस संसार से छिपाए रखा। तुम वहीं खींचे जा रहे हो? अपनी माँ का विश्वास करो पुत्र, ये आनंद नहीं छलावा है, और वो मित्रता नहीं बस बुरी संगति है। मेरा आनंद छलावा कैसे हो सकता है माँ? बगीचे से फल चुराना, दूसरों को डराकर उनसे सब कुछ छीन लेना, जब जैसी इच्छा हो वैसा करना, बहुत आनंद आया मुझे, और मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगा। ठीक है, यही तुम्हारी इच्छा है तो अपनी माँ को भूल जाना, क्योंकि ये माँ अपने पुत्र को असुर बनता नहीं देख सकेगी। तुम्हें भूखा देखना स्वीकार है पुत्र, पर तुम्हें किसी दूसरे का भोजन करते हुए ये माँ नहीं देख सकेगी। निर्णय तुम्हें ही लेना है पुत्र, कि तुम्हें सन्मार्ग पर ले जाने वाली माँ चाहिए या कुमार की दिशा पर ले जाने वाले वो जिन्हें तुम मित्र मानने लगे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.